यूपी में बुलडोजर की गति और भी तेज हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है और इसको लेकर यूपी में सीएम योगी को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए सर, जो बुलडोजर चल रहा है उमेश पाल हत्याकांड के बाद, सर क्या इसको किस तरह नज़रिए से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया चल रहा है और इन लोगों के साथ इसी तरह होना चाहिए। अभी तक जो खौफ था कि भाई क्राइम करके भाग रहा है, अब ये कहीं भी भागे इनका घर तोड़वा देना चाहिए। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, और इसके लिए और मैं कुछ और नहीं बता। अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो अच्छा काम किस नज़रिए से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि बुलडोजर इससे पहले भी 5 राज्यों में भी चला है, MP में भी चला, राजस्थान में भी चला है, उसके बाद UP में तो लगातार चल रहा है, तो उसको देख के किस बिहाव पर आप कह रहे हैं कि अच्छा काम है ये? जो जुर्म हो रहे हैं, जुर्म को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने मुहिम चलाया है, उसके लिए आने वाले समय में जो भी जो गुनाह करने के लिए जो सोचेगा, उसको एक बार डर बैठेगा कि भाई हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से योगी जी ने जो भी काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है और इसके लिए सरकार को अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो बुलडोजर चल रहा है वो बहुत अच्छा ही कार्य चल रहा है। एक मिनट, एक और भाई साहब, इनसे भी बात कर लूँगा। सर ये बताइए, बुलडोजर चल रहा है यूपी में, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, सरकार का काम होता है उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है उसकी सुरक्षा करना, उसको अच्छी शिक्षा देना और उसके परिवार को आवास की व्यवस्था कराना। तो जो लोग गलत कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तब तो सही है, लेकिन सुनने में आया है बहुत सारे ऐसे गरीबों का घर बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा है, जबकि अगर कार्रवाई होनी चाहिए सही रूप में अगर देख रहे हैं तो। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अवैध कब्जा किए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो कमज़ोर है उसके ऊपर सरकार तो कार्रवाई कर दे रही है, लेकिन सरकार में ही बहुत सारे ऐसे भूमाफिया बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा तो यह है कि कार्रवाई हो तो सबके खिलाफ, बड़ा छोटा, और सरकार में जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो कमज़ोर है, गरीब है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो सरकार को तो सबको बराबर देखना चाहिए ना। तो हमारे हिसाब से सरकार को जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जो छोटा बड़ा है इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो सरकार भेदभाव कर रही है ये गलत है। कानपुर में बुलडोजर चला था, वहाँ पर माँ बेटी की मौत हो गई, इस पर क्या कुछ कहें? उसी बात पर मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ एक सरकार दावा कर रही है कि हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, गरीबों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, गरीबों को शिक्षा दे रहे हैं, उस पर ध्यान न दे करके, और बोले तो हूँ कमज़ोर लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जो मजबूत है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी है, वो घूम रहा है, अपराध कर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई करें। अतीक अहमद के गुर्गों पर भी कार्रवाई हो रही है, लगातार उनके घर भी गिर रहे हैं, कल भी गिरे, आज भी गिरे, परसों भी गिरे। मैं किसी को व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं करूंगा, जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं अभी भी कर रहा हूं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मतलब चिन्हित करके कि जो मजबूत अपराधी है उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और छोटे छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये गलत है। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं किस चीज़ से? ये जो बुलडोजर चल रहा है, गिर रहा है, गति पकड़ रहा है, जहाँ सरकार सही काम कर रही है संतुष्ट हूँ, लेकिन जहाँ सरकार गलत कर रही है उससे संतुष्ट नहीं। तो सरकार को सबके कोई भेदभाव न करके सबके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा वो हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो। केवल गरीबों के, कमजोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, ये कौन सी सरकार है? सरकार तो सबके खिलाफ करना चाहिए ना, तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि सरकार को सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। एक और युवक हैं, तिलक लगाए हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? आतिश तिवारी नाम है हमारा। ये बताइए तिवारी जी, जो बुलडोजर चल रहा है अभी, जो उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चला है, तोड़ा भी गया है, कई कार्रवाई हो रही सरकार द्वारा, क्या संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमारी, आपने देखा होगा 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
और उसके पहले गठबंधन की सरकार रही समाजवादी पार्टी बनाम बसपा की, ठीक है ना। और अब 2017 के बाद बाबा आदरणीय हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश की कमान संभालने हैं, उससे लगातार जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने जातिवाद भ्रम पैदा किया, जातिवाद पे राजनीति की, और उनकी जो राजनीतिक छवि थी उन्होंने सिर्फ एक ही एजेंडा था कि जातिवाद में बांट करके जनता को मूर्ख बनाओ, बेवकूफ बनाओ। और 2017 से 2022 में जो अपराधी का जो अब तक कल्याण हुआ है कमी हुआ है, लेकिन अब 2022 लेकर 2027 में पूर्ण रूप से उनकी सफाई होनी है और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को संरक्षण समाजवादी पार्टी ने दिया और उन्हीं के द्वारा, उनके ही द्वारा सरकार में लगातार उन्होंने काम किया और आज भी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके अपराधियों को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया है। और यह हर जनता, हर नागरिक, हर व्यक्ति जानता है। मैं भी एक आम जनता हूँ, मैं आम जनता। आप तो बीजेपी से हैं। नहीं, किसने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी से? मैं क्या, मेरे माथे पे टीका लगा है क्या? क्या मतलब मैं टीका लगा रहा हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का? किसी पार्टी के समर्थन में? नहीं, समर्थन में किसी का नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अब तक काम चल रहा है, अब तक जो कार्य कर रही पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम उससे सहमत है आम जनता होने के कारण। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर ही नहीं, अभी हाइबा भी बजेगा, वहाँ पे पोकलैंड भी बजेगी। उनकी जो गिट्टी बालू मोरंग सब सरकार जब्त कर रही है, आने वाला कल दिव्य एवं भव्य होगा। और अब तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, नेतृत्व किया है, उससे सभी जनता, सभी समाज, सभी हर वर्ग का व्यक्ति उनसे संतुष्ट है और अपराधियों की कमर तोड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सीएम योगी की सरकार बहुत अच्छा कार्य करी। एक और भाई है हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। बीजेपी का आप लगा हैं, ये बताइए, बुलडोज़र चल रहा है अपराधियों के घर पे, आरोपियों के घर पे तोड़ा जा रहा है, और लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी बात ये कि अभी कानपुर में बुलडोज़र चला था जहाँ पर एक माँ बेटी की मौत हो गई, इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? जो लोग अपराधी हैं, जो बुलडोजर चल रहा, सही चल रहा है, क्राइम कम हुआ है। जो छुट्टा सांड की तरह लड़कियों को, बच्चियों को छेड़ने का काम करते थे, उसमें पूरा विराम लगा है। और मैं बलिया ज़िले से आया हूँ, बलथा जिला से, यहाँ पे कोई काम था वहीं मिलने के लिए। और मोदी जी की वजह से मेरी पहचान बनी, मैं वर्तमान में वहाँ का मैं प्रधान हूँ, ठीक ना। मोदी जी जब से राशन ऑनलाइन खोले, आवास खोले, शौचालय खोले, वही जन जन तक मैंने एक सच्चे सिपाही के रूप में पहुंचाने का एक काम किया। मठ की एक ज़मीन थी नागा बाबा की नाम से, उस पर अवैध कब्जा हुआ था बाहुबलियों का, उसको मैंने मंदिर को तोड़वा के बुलडोजर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात ना मानता हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बुलडोजर चल रहा है लेकिन अपराधी नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। कहीं भी बुलडोजर चला लेकिन अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, इसके पीछे क्या कारण? गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, बाबा छोड़ेंगे नहीं किसी को। शहर शांत रहे, क्राइम कम रहे, जनता महफूज रहे, माँ बहन बेटी सब आम नागरिक सबको सहूलियत मिले, ऐसी बात नहीं है। बाबा जो कदम उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं। नहीं, चलिए, अच्छी बात है। प्रधान जी, एक चीज़ मैं और कहूँगा, क्या घर गिराना ही विकल्प होता है? क्योंकि अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक लेकिन घर पहले गिर जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि देखिए, बुलडोजर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, एक आम जनमानस को, आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण? अपराधी भागे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकाउंटर करवाएंगे ही कराएंगे बाबा जी, ऐसी बात नहीं, मिलेंगे जरूर। कब तक भागेंगे? घर कुड़क होगा, घर गिरेगा, डर पैदा होगी, कोई दूसरे लोग जो इस तरह के अर्जक तत्व के लोग हैं, छेड़खानी करने से डरेंगे कि एक आदमी करता है पूरे घर भर को सजा मिल रही है, तो एक डर पैदा, खौफ पैदा होगा ही, हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। अपराधी कहाँ भागेंगे? अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, क्या लग रहा है गाड़ी फिर पलटेगी क्या इस बार? उम्मीद तो 2024 की मोदी जी फिर आएंगे। नहीं नहीं, जो गाड़ी पलटी थी विकास दुबे में, क्या पलटेगी क्या इस बार अपराधियों को लेकर? कुछ भी हो सकता है बाबा, कभी कोई एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ बलिया के
निवासी प्रधान जी, इनसे भी एक और भाई साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर ये बताइए, बुलडोजर चल रहा है और लेकिन अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें मोदी का शासन जो है बहुत सख्त है और गुंडा माफियाओं के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है जांच कर रही है, मिल जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन घर गिरा दिया जा रहा है, क्या यही विकल्प होता है क्या है? अब एक साधन वो भी हो सकता है, घर गिराने के बाद जो है अपराधी हो सकता है कि जो है उनके पुलिस के जो है नज़दीक आ जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो रही। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है ना, इसीलिए बुलडोजर चलवाया जा रहा है, घर गिरवाया जा रहा है ताकि अपराधी आकर के जो है वहाँ अपनी सुरक्षा संरक्षा करें, उनको जो है गिरफ्तारी में लिया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनका ये कहना था कि घर इसलिए वजह से गिराया भी ये भी जा रहा है कि अपराधियों में खौफ बना रहे और अपराधी बहुत जल्द सरेंडर करें। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, यहाँ इनसे भी बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, सर भैया ये बताइए, अपराधी नहीं गिरफ्तार हो रहे लेकिन बुलडोजर चल रहा है? चलिए आप ही बता दीजिए, बुलडोजर चल रहा है लेकिन अपराधी नहीं गिरफ्तार हो रहे? सब गिरफ्तार हो जाएंगे, बढ़िया सरकार है, बढ़िया अच्छे चल रहा है, इस समय देश में बढ़िया काम चल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, इससे ज़्यादा संतुष्ट क्या होंगे? अरे 1400 का बिके, 1200 का बिके, तब 1200 का तब महंगाई बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। आप 1965 में जाएंगे तो महंगाई नहीं थी, सैलरी के हिसाब से होता ना, आदमी के पहले मोबाइल नहीं था इसलिए कम खर्चा था, अब मोबाइल आ गया तो ज़्यादा खर्चा होता है। नहीं तो लेकिन बुलडोजर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बुलडोजर चलने दीजिए, चलने दे इसको। बाबा जी कम से कम 50 साल और रहेंगे, 50 साल और रहेंगे बाबा जी। चलिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए भैया, बुलडोजर चल रहा है, अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, किस नज़रिए से किस चीज़ से देखते हैं आप? अब ये तो भाई सरकार के ऊपर है, वो जब सरकार जब एक्शन में आएगी तभी सब कुछ होगा, और जब सरकार ढीली हो जाएगी तो कहाँ कुछ होगा। एक्शन बढ़िया है? हाँ एक्शन तो सही है। क्या लगता है आपको कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? इससे फर्क क्या आएगा भाई, क्राइम कम हो जाएगा, गुंडागर्दी कम हो जाएगी। लेकिन जो क्राइम से जुड़े लोग हैं वो तो गिरफ्तार नहीं हो रहे। अब ये तो भाई उनके अधिकारी बता सकते हैं क्यों नहीं गिरफ्तार है, या मंत्री या नेता बता सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है नज़रिया सबका पॉजिटिव ही है इस चीज़ को लेके। चचा हैं, चचा ये बताइए, चचा नहीं शायद बोलेंगे, कोई बात नहीं। कुल मिला के लखनऊ की जो जनता है वो सीएम योगी की कार शैली से, बुलडोज़र की जो कार क्षमता है, जो बुलडोज़र चल रहा है लगातार, उससे संतुष्ट भी दिखाई दे रही है। एक और भाई साहब इनसे पूछ लेते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम वी के शास्त्री है। शास्त्री जी कहाँ से हैं? मैं तो नोएडा से आ रहा हूँ। शास्त्री जी बताइए, लगातार बुलडोजर चल रहा है, इसके अलावा यूपी के 5 राज्यों में भी चल रहा है बुलडोजर, लेकिन यूपी में ज़्यादा इसकी हलचल तेज है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? लेकिन अपराधी नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। सर ये अपराध को कंट्रोल करने के लिए तो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अपराध को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है, और अपराधी भी गिरफ्तार होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि अपराधी जहाँ पर भी हो उसको जेल के पीछे जाना चाहिए, जो जैसा अपराध करे उसको वैसा परिणाम अवश्य आना चाहिए। क्या कुछ इस बुलडोजर चलने से क्या कुछ संदेश जाता है क्या अपराधियों में, क्या लग रहा है? नहीं, इससे भयभीत है अपराधी, काफ़ी हद तक क्राइम रुका हुआ है और क्राइम रुकना चाहिए, इससे भयभीत हुए। चलिए अच्छी बात है, ये थे नोएडा से शास्त्री जी, इन्होंने भी कहा कि जो अपराधी हैं उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है, भय का माहौल है। एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम है, कहाँ से हैं? हम गौतम बुद्ध नगर नोएडा से हैं। अच्छा ये बताइए, अभी बुलडोजर चल रहा है, अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद बुलडोजर लगातार चल रहा है अपराधियों के घर पे, आरोपियों के घर पे, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? और एक चीज़ और है, यहाँ पर कानपुर में बुलडोजर चला था लेकिन उसमें माँ बेटी की मौत हो गई थी, उस चीज़ को कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को? नहीं, अपराधियों के साथ तो सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है, जो सराहनीय है, जो हुआ नहीं है अब तक, सरकार इसका ये स्वागत योग्य कदम है, ऐसा होते रहना चाहिए, सरकार का निजाम तो कायम रहना चाहिए। बस दिन दहाड़े आप ऐसे मार रहे हो एडवोकेट को, योगी जी की सरकार में तो ये तो अच्छा है, कार्रवाई होनी चाहिए। वो कुछ गलती से हो गया होगा,
ऐसे कोई जानबूझ के प्रशासन थोड़ी करता है। तो ये कार्रवाई जो हो रही है बेहतर हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा ही बने रहना चाहिए, तभी तो हम आप लोग सुरक्षित रहेंगे। किसी को मार दोगे उठा के? जी, लेकिन जो अपराधी है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं या अंडरग्राउंड है, अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। अरे सरकार सबको निपटा देगी, सबको सही कर देगी, बने रहो, हमारा आप साथ लगे रहेंगे तो सब कुछ होता रहेगा। जो कार शैली है सरकार की, कार करने का तरीका है बुलडोजर वाला, कैसा है? नहीं, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता भाई साहब, आज तक जो है ना ये इसी लायक है, जो क्रिमिनल्स हैं वो इसी लायक है, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, जभी तो शरीफ लोग रहेंगे। ये हैं कितने परसेंट लोग? थोड़े तो हैं, सब कर लेंगे, सब सही हो जाएगा, हमने साथ देना योगी जी का। बेहतर कार्य हो रहा है जी, बहुत बेहतर, धन्यवाद, होली की शुभकामनाएं आपको जी, जी आने वाले त्यौहार की शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ लोग यूपी के तमाम अन्य अन्य जगह से आए कुछ लोग, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो सीएम योगी की कार्यशैली और जो कार्य क्षमता है, जो बुलडोजर चल रहा है यूपी में, जो आरोपी हुए अपराधी हैं उनके घर पर चल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने शिकायत भी की और कुछ लोगों ने इसकी सराहना भी की कि योगी, सीएम योगी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी जो सरकार है बहुत कानून व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर तरीके से बना रही है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार है वो कार्यशैली, कार्य क्षमता और बुलडोजर चल रहा है वो बहुत बेहतर कार्य करे। ये बताइए सर, बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के घर पे, आरोपियों के घर पे, किस नज़रिए से आप देखते हैं, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे? गिरफ्तार भी हो रहे आरोपी, क्यों नहीं हो रहे, काफ़ी गिरफ्तार हो रहे, बुलडोजर चला रहे तो उससे ही तो कम से कम गुंडागर्दी कम हो रही है, बहुत अच्छा काम है हमारी नज़र में, बहुत अच्छा हो रहा। एनकाउंटर में एक शूटर था, मार दिया गया, इससे बेटर क्या हो सकता है, ये शूटर है उसे तो मारना ही चाहिए, बल्कि और तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहिए इस चीज़ में, इसके लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन क्या लगता है कि आरोपों की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है? बिल्कुल होगी, बहुत जल्दी होगी। एक और भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कुछ कहेंगे? गिरफ्तारी भी होगी और बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी, लेकिन शासन अपने काम में लगा हुआ है, जहाँ तक है जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बुलडोजर चल रहा लगातार, सही है गलत? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, सही जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जितने भी लोग हैं जिनसे हमने बात करी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और सरकार भी बहुत अच्छा कार्य करी। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए, या फिर बुलडोजर जो चल रहा है अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे लेकिन बुलडोजर लगातार चल रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी कुछ हो रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपराधियों की गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, बुलडोजर के साथ साथ उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए, सही है गलत नहीं, ज़रूरी है गिरफ्तारी करना। कानपुर में बुलडोजर चला था लेकिन माँ बेटी की मौत हो गई थी, सही था गलत? बिल्कुल बहुत सही है, माँ बेटी की जो मौत हो गई थी वहाँ पर जल कर, वो सही था गलत था बताइए? उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमको पूरी घटना के बारे में नहीं है, क्या बता पाएंगे। लेकिन अभी चल रहा है इलाहाबाद में बुलडोजर, कैसा लग रहा है, सही है गलत? देखिए अपराधी कोई हो सबके खिलाफ एक ही तरह से व्यवहार करना चाहिए, किसी पार्टी विशेष से नहीं मतलब रखना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये थे कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं और बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य है सीएम योगी सरकार का। और साफ साफ ये भी देखने को मिला कि जो आम जनता है वो सीएम योगी कार्य को सराहा रही है और जो बुलडोजर चल रहा है वो लगातार ऐसे लोगों पर चलना भी चाहिए जो अपराध से जुड़े हों या फिर अपराध कर रहे हों। कैमरा मैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।